तो देखिए, हम लास्ट थ्योरम कर रहे थे, एवरी ओड प्राइम पी हैज़ एग्जैक्टली पी माइनस वन बाय टू क्वाड्रेटिक रेजिड्यू एंड पी माइनस वन बाय टू क्वाड्रेटिक नोन रेजिड्यू। ठीक है, तो इस थ्योरम के प्रूफ में हमें क्या दिखाना था कि अगर कोई भी प्राइम नंबर पी है तो उसके पास पी माइनस वन बाय टू क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होंगे और पी माइनस वन बाय टू ही क्वाड्रेटिक नोन रेजिड्यू होंगे। तो इस ये थ्योरम हम हाफ कर चुके थे इसका प्रूफ। उसके अंदर हमने क्या दिखाया था, एस कोई भी सेट कंसिडर किया था। सबसे पहले तो हमने ये शो किया था कि एस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बनेंगे पी के। ठीक है, सेकंडली हमने ये शो किया था कि एस के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अब हम क्या शो करेंगे कि इससे बाहर अगर कोई भी एलिमेंट है तो वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं बनेगा पी का। ठीक है, अगर कोई भी बाहर मान लो एलिमेंट है, मतलब इस सेट से बाहर कोई भी एलिमेंट है तो वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं बनेगा मोड पी का, सॉरी पी का। ये वाली चीज़ हमें शो करनी है। ठीक है, तो हम देखो हम नाउ वी विल प्रूव दैट देयर इज़ नो अदर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी। अब हम ये वाली चीज़ शो करेंगे क्योंकि अगर कोई और बन गया तो हमारे पास पी माइनस वन बाई टू से ज़्यादा क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो जाएंगे, पर हमें शो क्या करना है कि पी माइनस वन बाई टू ही हो, एग्जैक्टली पी माइनस वन बाई टू हो। तो देखो, हमें शो तो ऐसे करना है कि कोई भी अदर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ना हो, पर हमने उल्टा मान लिया। हमने क्या मान लिया, इफ़ पॉसिबल लेट सी बी अ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी अदर देन इंटीजर्स इन एस। हमने लेट कर लिया कि सी क्या है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है पी का एस सेट से अलग, जो एस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने मान ली। अगर सी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो इट मींस इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन मिलेगा बाय डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। ठीक है, तो इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर सी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है पी का। तो हमने मान लिया इसका सोल्यूशन कौन है, एक्स नोट है। अगर एक्स नोट सोल्यूशन है इसका तो एक्स नोट इसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और एक्स नोट अगर सोल्यूशन है तो वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, वन से लेकर पी माइनस वन के बीच में। अब देखो, C इज कॉन्ग्रुएंट टू x नोट स्क्वायर, और हमें पता है x नोट स्क्वायर को हम p माइनस x नोट होल स्क्वायर लिख सकते हैं मोड p में, क्योंकि p की वैल्यू जीरो ही होएगी, तो इट मीन्स ये तो सेम ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये वाली चीज़ लिख दी। अब देखो, x नोट की वैल्यू वन से लेकर p माइनस वन के बीच में थी, ये वाली चीज़ हमें पता है। तो हो सकता है x नोट की वैल्यू, या तो एक्स नोट की वैल्यू देखो हमें पता है वन से लेकर पी माइनस वन के बीच में थी, तो या तो एक्स नोट की वैल्यू वन से लेकर पी माइनस वन बाई टू के बीच में होगी, तो या फिर पी माइनस एक्स नोट की वैल्यू वन से लेकर पी माइनस वन बाई टू के बीच में होगी। अब ये आप इजीली देख सकते हैं पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर, पी को कुछ वैल्यू असाइन कर लो, कोई प्राइम नंबर, एक्स नोट को कोई वैल्यू असाइन कर लो, तो आप ये वाली चीज़ को आसानी से देख सकते हो। ठीक है, ये मानकर चलोगे ऐसी एक्स नोट की वैल्यू आप ऐसी कंसीडर करोगे जो वन से लेकर पी माइनस वन के बीच में लाई कर रही है, तो आप यहाँ से ये रिलेशन आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आएगी कि या तो एक्स नोट वन से लेकर पी माइनस वन बाई टू के बीच में होगा, या फिर पी माइनस एक्स नोट वन से लेकर पी माइनस वन बाई टू के बीच में होगा। अगर एक्स नोट वन से लेकर पी माइनस वन बाई टू के बीच का कोई नंबर है तो एक्स नोट का स्क्वायर बिलोंग कर जाएगा एस के अंदर, और अगर पी माइनस एक्स नोट वन से लेकर पी माइनस वन बाई टू के बीच का कोई नंबर है तो पी माइनस एक्स नोट स्क्वायर बिलोंग कर जाएगा एस के अंदर, क्योंकि एस के अंदर वन से लेकर पी माइनस वन बाई टू के बीच के सारे नंबर्स का स्क्वायर जा रहा है इस वजह से। ठीक है, तो इट मीन्स हम एक्स नोट सोल्यूशन मानकर आए थे, एक्स नोट हमने सोल्यूशन माना था इसका, और एक्स नोट का स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, सी के। तो इट मीन्स ये तो कोई नया एलिमेंट नहीं है, तो सी तो कोई नया नंबर नहीं है ना, ये तो वही नंबर है, मतलब एस का एलिमेंट ही आ गया। और हमने क्या माना था कि ये तो एस से बाहर का एलिमेंट है, सी को हम एस सेट से बाहर का एलिमेंट मान कर आए थे, पर हमने क्या शो कर दिया कि सी तो एक्स नोट स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट है और एक्स नोट का स्क्वायर बिलोंग कर रहा है एस के अंदर, तो सी तो कोई नया एलिमेंट हुआ ही नहीं, तो सी किसके अंदर बिलोंग कर गया, एस के अंदर। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हम तो लेट करके चले थे ना कि सी डजंट बिलोंग्स टू एस, तो इट मीन्स और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आए, क्योंकि हमने माना कि एस सेट के बाहर का एलिमेंट भी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बन सकता है पी का।
तो हैंस पी हैज एग्जैक्टली, अब यहाँ से देखो सी या तो एक्स नोट स्क्वायर के अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया या फिर पी माइनस एक्स नोट स्क्वायर के भी तो कॉन्ग्रुएंट है ये। अगर पी माइनस एक्स नोट स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो यहाँ से इस केस में भी सी कोई नया नहीं है, सी दोबारा से पी माइनस सॉरी एस में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो देखो सी एलिमेंट किसका आ गया, एस का ही आ गया, तो हमारे पास कितने हुए पी माइनस वन बाई टू कॉन्ग्रुएंट, हैंस पी हैज एग्जैक्टली पी माइनस वन बाई टू इनकॉन्ग्रुएंट क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। तो हमारे पी के पास कितने इनकॉन्ग्रुएंट क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हुए, एग्जैक्टली पी माइनस वन बाई टू, और वो कौन से, जो सेट एस के एलिमेंट्स थे, ठीक है। विच आर कॉन्ग्रुएंट मोड पी टू द इंटीजर्स, किसके कॉन्ग्रुएंट होंगे, एस सेट के एलिमेंट्स के, और एस सेट के एलिमेंट्स क्या थे, वन स्केयर टू स्केयर अप टू पी माइनस वन बाई टू का स्केयर, ठीक है। अब देखो p माइनस वन बाई टू तो हमारे पास क्या बन गए, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, और टोटल कितने थे, p माइनस वन थे हमारे पास, वन से लेकर हम कहाँ तक लेते हैं, p माइनस वन तक ही लेते हैं, तो टोटल p माइनस वन थे, और उनमें से हाफ क्या बन गए, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बन गए, तो जो बचेंगे वो क्या बनेंगे, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। तो इट मीन्स p माइनस वन बाई टू जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मोड p। तो हमने क्या देखा कि अगर p कोई भी प्राइम नंबर है उसके पास एग्जैक्टली p माइनस वन बाई टू तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होंगे, और एग्जैक्टली p माइनस वन बाई टू ही क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होंगे, ठीक है। ये वाली थ्योरम हमारी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, लेट p बी एन ओड प्राइम, p कोई भी ओड प्राइम है, a कोई भी इंटीजर है, ठीक है। P और A की GCD 1 है, तो हमें शो करना है कि जो ये कॉन्ग्रुएंस है, X square is congruent to A mod P, या तो इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, और अगर हो गए तो एग्जैक्टली दो इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। देखो देन द कॉन्ग्रुएंस X square is congruent to A mod P has either no solution और एग्जैक्टली टू इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन, या तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, अगर सोल्यूशन होंगे तो दो होंगे, वो भी कैसे, इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो देखो इफ़ द गिवन कॉन्ग्रुएंस हैज़ नो सोल्यूशन, अब इसके पास दो ही केस हो सकते हैं, या तो इसके पास सोल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। अगर इसके पास सोल्यूशन नहीं है तो थ्योरम में हमें कुछ प्रूफ ही नहीं करना, क्योंकि हैज़ आइदर नो सोल्यूशन, ये वाला केस सेटिस्फाई हो रहा है। तो इफ़ द गिवन कॉन्ग्रुएंस हैज़ नो सोल्यूशन देन देयर इज़ नथिंग टू प्रूफ, ठीक है, अब तो कुछ प्रूफ करना ही नहीं है। और अगर इसके पास सोल्यूशन है तब हमें प्रूफ करना है कि इसके पास एग्जैक्टली टू इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। एंड इफ़ द कॉन्ग्रुएंस हैज़ अ सोल्यूशन देन वी शैल प्रूव दैट इट हैज़ एग्जैक्टली टू इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशंस, अगर इसके पास सोल्यूशंस हैं तो हम प्रूव करेंगे इसके पास एग्जैक्टली टू इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन होंगे। तो हमने लेट कर लिया कि एक्स नॉट कोई सोल्यूशन है इस कॉन्ग्रुएंस का, अगर एक्स नॉट इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन है तो एक्स नॉट इसे सेटिस्फाई करेगा, तो इट मीन्स एक्स नॉट स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी, ठीक है। अब हमने क्या लेट कर लिया, लेट कर लिया वाई नॉट है, वाई नॉट इज इक्वल्स टू पी माइनस एक्स नॉट, पी माइनस एक्स नॉट को हमने वाई नॉट लेट कर लिया। अब हमें ये वाली स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम उस क्रोलरी से जो हमने पहले पढ़ी थी कि अगर एक्स नॉट सोल्यूशन बन रहा है तो पी माइनस एक्स नॉट भी इस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन बनेगा, तो इट मीन्स वाई नॉट भी क्या बनेगा, अब पी माइनस एक्स नॉट को हमने क्या नाम दे रखा है, वाई नॉट, तो इट मीन्स वाई नॉट भी क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा इस कॉन्ग्रुएंस का। तो अगर वाई नॉट इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन है तो इट मीन्स वाई नॉट भी इसे सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई नॉट स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी। ये थ्योरम हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि अगर एक्स नॉट सोल्यूशन है तो पी माइनस एक्स नॉट भी सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से वाई नॉट भी सोल्यूशन बन गया, क्योंकि हमने पी माइनस एक्स नॉट को वाई नॉट नाम दिया था, तो यहाँ से हमारे पास आ गया वाई नॉट स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी। सो वाई नॉट इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन कॉन्ग्रुएंस, ये वाली चीज़ बता रखी है। अब देखो हमें क्या दिखाना है कि उसके पास एग्जैक्टली टू इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन हो। अब हमें दो सोल्यूशन तो मिल गए, एक एक्स नॉट और वाई नॉट, बट वे कैसे होने चाहिए, इनकॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो अब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि एक्स नॉट और वाई नॉट इनकॉन्ग्रुएंट हैं। देखो हमने मान लिया कि वो कॉन्ग्रुएंट है, अगर वे कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होता है,
तो हमने देखो मान लिया कि वाई नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स नोट मोड पी, देन पी माइनस एक्स नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स नोट मोड पी, क्योंकि वाई नोट की वैल्यू क्या थी, पी माइनस एक्स नोट, हमने यहाँ पुट कर दी। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो पी इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी, ये वाली चीज़ अलग है और ये वाली अलग है। हमें पता है पी तो कॉन्ग्रुएंट होगा जीरो मोड पी के, क्योंकि पी डिवाइड करेगा पी माइनस जीरो, मीन्स पी डिवाइड करेगा पी को, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली कॉन्ग्रुएंस भी ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब लेफ्ट में पी माइनस एक्स नोट माइनस पी बनेगा, तो पी से पी कैंसिल, बच गया माइनस एक्स नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स नोट माइनस जीरो मीन्स एक्स नोट मोड पी, ठीक है। अब यहाँ से इसे जब लेकर जाएंगे तो हमारे पास टू एक्स नोट बन जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू टू एक्स नोट, सॉरी दैट इम्प्लाइज टू एक्स नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस एक्स नोट मोड पी। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू एक्स नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी, क्योंकि हमें पता है अगर ए कॉन्ग्रुएंट होता है बी के, तो बी भी ए के कॉन्ग्रुएंट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई कि टू एक्स नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी, तो इसका मतलब एक्स नोट कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया, जीरो मोड पी के, क्योंकि टू और पी की जीसीडी वन है, तो हम टू को यहाँ से हटा सकते हैं। आपको ये प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि पी डिवाइड करेगा एक्स नोट को, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि एक्स नोट जो नंबर था वो वन से लेकर पी माइनस वन के बीच का नंबर था। अब पी अपने से छोटे नंबर को तो डिवाइड नहीं कर सकता, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हमने ये लेट कर लिया था कि वाई नोट और एक्स नोट आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारे पास क्या मिल गए, दो सोल्यूशन मिल गए, कैसे, इन कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन मिल गए। अब हमें क्या पता किसके पास एग्जैक्टली दो ही सोल्यूशन है, क्या पता दो से ज़्यादा भी हो, तो हमें ये वाली चीज़ भी प्रूफ करनी पड़ेगी कि इसके पास एग्जैक्टली दो ही सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या लेट कर लिया कि जेड नोट बी द थर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कॉन्ग्रुएंस, कि एक सॉल्यूशन जेड नोट बी है इसके पास, तब दिखा देंगे कि जो ये जेड नोट है ना, इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, या तो एक्स नोट के या फिर वाई नोट के। तो मतलब इन कॉन्ग्रुएंट तो हमारे पास दो ही सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। ये जेड नोट जो हमने थर्ड सॉल्यूशन माना है, हम क्या शो करेंगे कि जेड नोट पहले ये दो सॉल्यूशन बने हैं, जो इनमें से ही किसी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब देखो जेड नोट सॉल्यूशन है तो जेड नोट भी सेटिस्फाई करेगा, तो इट मींस जेड नोट का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक्स नोट सॉल्यूशन था, तो इट मींस एक्स नोट का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट था ए मोड पी के, ये वाली चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ये जेड नोट स्क्वायर भी कॉन्ग्रुएंट ए के, और एक्स नोट स्क्वायर भी कॉन्ग्रुएंट है ए के, तो इट मींस एक्स नोट का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जेड नोट स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि पी डिवाइड्स एक्स नोट स्क्वायर माइनस जेड नोट स्क्वायर, ठीक है। अगर पी डिवाइड कर रहा है एक्स नोट स्क्वायर माइनस जेड नोट स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हमें पता है अगर पी डिवाइड करे ए बी को, तो पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, या तो पी डिवाइड करेगा एक्स नोट माइनस जेड नोट को, या फिर पी डिवाइड करेगा एक्स नोट प्लस जेड नोट को, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं कि जेड नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स नोट मोड पी, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जेड नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस एक्स नोट मोड पी। अब देखो क्यों लिख सकते हो इसको, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि पी डिवाइड कर रहा है एक्स जेड नोट माइनस एक्स नोट, लिखना चाहो तो ये लिख दो, और एक्स नोट माइनस जेड नोट लिखना चाहो तो ये लिख दो, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी इस चीज़ को ऐसे लिख दिया, तो जेड नोट कॉन्ग्रुएंट हो गया एक्स नोट मोड पी के। और यहाँ पर देखो एक्स नोट माइनस एक्स नोट की जगह हम पी माइनस एक्स नोट लिख सकते हैं, क्योंकि मोड पी के अंदर पी की वैल्यू तो जीरो ही होती है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है कि जेड नोट कॉन्ग्रुएंट है पी माइनस एक्स नोट मोड पी के, ठीक है। तो जेड नोट कॉन्ग्रुएंट एक्स नोट मोड पी और जेड नोट कॉन्ग्रुएंट वाई नोट मोड पी। तो हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू पी माइनस एक्स नोट की वैल्यू वाई नोट थी ना। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया टोटली, कि जो हमने माना था कि एक्स नोट और वाई नोट से अलग भी इसके पास से कोई सोल्यूशन है जेड नोट, ठीक है। बट हमारे पास क्या होगा कि ये जेड नोट तो या तो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा या फिर इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इन कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन हमारे पास कितने मिले, दो ही तो मिले, एक एक्स नोट और एक वाई नोट। तो हमें यही चीज़ शो करनी थी इसके अंदर कि इन कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन हमारे पास दो होने चाहिए। अब देखो थ्योरम्स जो हमने की थी उसका यूज़ कैसे करेंगे, एग्जाम्पल करते हैं एक। देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक रेसिड्यू एंड नॉन रेसिड्यू ऑफ 13। अब जो प्रोसीजर हम पहले कर रहे थे एक एक नंबर को चेक करना, वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा,
ठीक है, अब मान लो कोई बड़ा नंबर दे दे यहाँ पर और उसका पूछने लग जाए, तो अगर उस प्रोसीजर से करने लगे तो करते रह जाएंगे। तो इस वजह से हमने जो थ्योरम्स की थी अब उसका यूज़ करके देखते हैं कि इसको किस तरीके से करेंगे। तो देखो उसने पूछा कि 13 के हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक रेसिड्यू कौन से होंगे और क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू कौन बनेंगे। तो हमने अभी थ्योरम की थी कि अगर कोई भी नंबर पी प्राइम नंबर है तो इसके पास पी माइनस वन बाय टू तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होंगे और पी माइनस वन बाय टू ही क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होंगे। और क्वाड्रेटिक रेसिड्यू वाला सेट कौन सा लिया था हमने, ऐसा सेट लिया था वन स्केयर टू स्केयर अप टू पी माइनस वन बाय टू का स्केयर, जो ये नंबर थे ये बन रहे थे क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब पी की जगह हमारे पास 13 है तो इट मीन्स पी माइनस वन बाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू कौन कौन बनेंगे, पी माइनस वन बाई टू के स्केयर तक बनेंगे, मीन्स 6 के स्केयर तक लेंगे हम टर्म्स, तो वन स्केयर टू स्केयर थ्री स्केयर फोर स्केयर फाइव स्केयर सिक्स स्केयर। ठीक है, जब इसका स्केयर लिखेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएंगे टर्म्स। अब देखो काम किसने करना है, हमें मोड 13 के अंदर काम करना है, तो 13 से बड़े जितने भी नंबर हैं उनको रिड्यूस कर देंगे हम, 13 से बड़े जितने भी नंबर हैं उनको 13 से रिड्यूस कर दो, रिमाइंडर लिख दो। तो 16 को रिड्यूस किया तो 3 आ गया, 25 को 12 और 36 को 10। तो हमारे पास जो ये 6 नंबर आए ये क्या बनेंगे, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बनेंगे, क्योंकि हमने भी ये थ्योरम की थी। और जो बचे हुए होंगे, बचे कितने, पी माइनस वन बाई टू बचे हुए जो नंबर होंगे वो क्या बनेंगे, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू। तो हमें पता चल गया कौन कौन से क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बनेंगे और कौन कौन से क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू बनेंगे। बचे हुए कौन से होंगे देखो इसके अंदर, एक मिनट देखो, टोटल हमारे पास क्या होते हैं मोड 13 के अंदर, हमें 1 से लेकर पी माइनस 1 तक लेना होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 तक लेंगे। अब देखो इसके अंदर कौन कौन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन रहा है, तो हमारे पास कौन कौन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन रहा है इसके अंदर, सॉरी अगर ये वीडियो बीच में स्टॉप हो गई थी, तो देखो कौन कौन रेसिड्यू बन रहा है इसके अंदर, 1 बन रहा है, 4 बन रहा है, 3 बन रहा है, 9 12 एंड 10। तो बचे कौन कौन से, 2 5 6 7 8 और 11। तो जो ये बचे हुए नंबर है 2 5 6 7 8 और 11 ये क्या बनेंगे, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ 13। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू जो बन रहा है उसको इस कॉन्ग्रुएंस फॉर्म में लिख दो, कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी। अब ए की जगह देखो कौन कौन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन रहे हैं, एक बार 1 एक बार 3 रखो एक बार 4 रख दो, 9 10 और 12। तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, ये क्वाड्रेटिक रेसिड्यू आ जाएंगे मोड 13 के अंदर। और ये हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब ये सारे के सारे जो कॉन्ग्रुएंस है ये सॉल्वेबल है। तो इसी के साथ आपका क्वाड्रेटिक रेसिड्यू वाला टॉपिक खत्म होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लिजेंड्रे सिंबल्स स्टार्ट करेंगे।